मोदी चाचा एक न्यू ब्रांड में बढ़िया सा कूलर दिखाओ। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लग गई है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। एक ऐसा कूलर दिखाओ जो पूरे घर को ठंडा कर सके और हम लोग रात को आराम से चैन की नींद सो सके। राहुल मेरे पास कूलर का खान है, यहाँ हर तरीके की हर वैरायटी का कूलर मिल जाएगा तुमको, बढ़िया से बढ़िया मॉडल में और पुराने से पुराने मॉडल में। रेट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जैसा मर्जी रेट लगाओगे वैसा कूलर मिल जाएगा। छोटा लो बड़ा लो, जैसा मर्जी चाहो वैसा ले लो। मोदी चाचा मुझे छोटा कूलर तो चाहिए नहीं, कूलर मुझे सबसे बड़ा दिखाओ, क्योंकि मुझे जिस कमरे में लगाना वो पूरा हॉल टाइप है, मेरा पूरा परिवार उसी कमरे में आके सोता है, तो मैं सोच रहा हूँ एक साइड में लगा दूंगा ताकि पूरा कमरा ठंडा होता रहे और सब लोग चैन की नींद सोते रहे। राहुल फिर तो तुम्हारे लिए ये कूलर बढ़िया रहेगा, ये नीला वाला अभी नए ब्रांड में आया है, नई क्वालिटी का कूलर है, एकदम डिजिटल कंपनी का। इसको लगाओ और एकदम मौज मारो। इसका रेट भी बहुत ज्यादा कोई नहीं है, मात्र 25,000 रुपए का कूलर है, कहो तो पैक करवा दूं। मोदी चाचा अगर जो तुम कह रहे हो ये कूलर बढ़िया कंपनी का है और न्यू ब्रांड है डिजिटल है, तो तुम इसको पैक करवा दो। पैसे की चिंता मत करो, पैसे मेरे पास बहुत है। अरे भैया मोदी जी, अगर जो उधर तुम्हारा सौदा तय हो गया हो तो एक कूलर हमको भी बढ़िया सा दिखा दो, बड़े से बड़ा कूलर दिखा दो अच्छी क्वालिटी का। हमको भी एक कूलर चाहिए यार, यहाँ फालतू बैठने नहीं आए हैं तुम्हारे पास। अरे लालू चाचा दिखा रहा हूँ भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं समझा आराम से बैठे हो, अभी तुमको तसल्ली से दिखा देता हूँ। बताओ कैसा कूलर चाहिए और तुमको लगाना कहाँ पे है कूलर, उस हिसाब से मैं तुमको कूलर दिखा देता हूँ। मोदी जी एक बार मैंने तुमको पहले भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारा चाचा नहीं लगता हूँ। तुम यार मेरे उम्र के आदमी हो और मुझे तुम चाचा कह रहे हो। तुमने कोट पैंट पहन लिया तो इसका मतलब तुम जवान हो गए हो। यार एक बढ़िया सा कूलर दिखाओ मुझे, भैंस के तबेले में लगाना, मेरी भैंसियों को बहुत गर्मी लगती है, वहाँ पे लगाना है। लालू जी गलती हो गई भाई, धोती कुर्ता पहन के बैठे हो तो मैंने लगा कि तुम मुझसे ज्यादा उम्र के हो, लेकिन सॉरी भाई। और तुम ये क्या बात कर रहे हो, भैंसिया के तबेले में कूलर लगाना? मैं तो समझा अपने लिए तुम कूलर लगा रहे हो। मोदी जी धोती कुर्ता पहना हुआ हर व्यक्ति बुढ़ा नहीं होता है, उसमें जवान भी होते हैं, ठीक है? और मैं अपने लिए कूलर क्यों खरीदूंगा जब मैं अपने हर कमरे में एसी लगवा रखा हूँ, तो कूलर किस लिए खरीदूंगा? अरे ये तो मैं अपने भैंसों के लिए खरीद रहा हूँ, उनको बहुत गर्मी लगती है यार। लालू जी लग नहीं रहे हो कि तुम इतने अमीर आदमी होगे कि तुम्हारे हर कमरे में एसी लगा है, लेकिन तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। ये कूलर ले लो काले वाला, ये बढ़िया कूलर है और तबेले के लिए बहुत सुटेबल कूलर है, ये पैक करवा देता हूँ तुम्हारे लिए। और भैया योगी जी तुम कैसे खड़े हो, तुमको क्या चाहिए? मोदी जी मैं भी ये कूलर लेने आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत बड़ा नहीं कूलर चाहिए, मुझे एक छोटा सा मीडियम में दिखा दो सस्ते दाम में, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है योगी जी दिखा देता हूँ, मेरे पास तो सस्ते से सस्ता कूलर है, बस तुम बताओ तुमको लगाना कहाँ है, उस हिसाब से मैं तुमको कूलर दिखा देता हूँ। मोदी जी मेरी एक छोटी सी कुटिया है, उसी कुटिया में मैं अकेला रहता हूँ, दो चार लोग तो रहते नहीं है, उस हिसाब से कूलर दिखा दो जो पूरी कुटिया को ठंडा करके रखे और मैं वहाँ पे तसल्ली से रह सकूं। योगी जी फिर तो तुम्हारे लिए ये छोटा वाला कूलर जो सफेद वाला सबसे ऊपर पड़ा हुआ है ये बढ़िया रहेगा, ये ज्यादा महंगा भी नहीं है और पूरे कुटिया को ठंडा करता रहेगा। इसका रेट है मात्र 4,500 रुपए, अब तुम कहो तो मैं इसको पैक करवा देता हूँ। मोदी जी मेरे पास तो 4,500 रुपए ना है, सिर्फ 4,000 रुपए है, इसमें ही दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपके बच्चे फूले फलेंगे। ठीक है योगी जी, आपको इतना उदास होने की जरूरत नहीं, आपको मैं 4,500 रुपए में ही कूलर दे दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।